नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले खुशखबरी वाली खबर लाडली बहनों के लिए। आज जो लाडली बहनों को मिलेगी सौगात, मोहन सरकार में लाडली बहनों को यह तोहफा मिलने जा रहा है। योजना की किस्त आज जारी हो जाएगी, बहनों के खाते में 1250 रुपए पहुंचेंगे आज। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि पता नहीं अब लाडली बहनों के खाते में जो हर महीने पैसा आता है, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देना शुरू किया था, वो आएगा या नहीं आएगा, इस पर असमंजस की स्थिति थी। पर आज ये पैसा जारी होने वाला है, खातों में खुशी पहुंचेगी, लाडली बहनों के खातों में खुशी पहुंचेगी और कहीं ना कहीं बहनें खुश भी इससे नजर आ रही हैं। योजनाएं किसी भी तरह की बंद नहीं होगी, ये बड़ी बातें जो है सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा कही गई थी। और आज लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, असमंजस की स्थिति, कयास लगाए जा रहे थे कि पता नहीं ये योजना आगे चलेगी नहीं चलेगी, पर मिलकर के पूर्व मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री मिले, मुलाकात की और साफ तौर से कहा कि योजनाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आज लाडली बहनों के खाते में खुशी आने जा रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश की 1,29,00,000 बहनों के लिए आज खुशी का दिन है, क्योंकि दिन इसलिए खुशी का है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार के पहली बार जो है वो 1250 रुपए आज उनके खाते में पहुंचने वाले हैं। देखिए, इसके पहले अगर बात करूं तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी और पहले चरण में 1,25,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता था। पहले 1,000 रुपए था, बाद में रक्षाबंधन के समय इसको बढ़ाकर 1250 कर दिया गया था। और जो जिस बात का आपने जिक्र किया कि बिल्कुल नई सरकार थी, नए मुखिया थे, तो कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। विपक्ष इस बात को लेकर तमाम उठा रहा था कि क्या लाडली बहना योजना आगे जारी रहेगी या नहीं रहेगी, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि वित्त मंत्री की बात हो या खुद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की बात हो, वो साफ कर चुके थे कि शिवराज सिंह चौहान सरकार में जो योजनाएं शुरू हुई है वो कोई योजना बंद नहीं होगी, बल्कि उनको आगे और बेहतर तरीके से कैसे संचालित किया जाए, इस तरफ सरकार ध्यान देगी। और हुआ भी वही। देखिए, आज 10 तारीख है और 10 तारीख के दिन ही लाडली बहनाओं के खाते में पैसे भेजे जाते रहे और आज एक बार फिर सिंगल क्लिक के माध्यम से जो है वो 1,29,00,000 बहनों के खाते में ये जो पैसा है आज हस्तांतरित किया जाएगा। एक बाकायदा एक कार्यक्रम कुशाभाव कन्वेंशन सेंटर में रखा गया, जिस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे और सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि जो है वो बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। और न केवल आज ये कार्यक्रम होगा बल्कि एक सप्ताह का पूरा साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया गया है। लाडली बहनाओं को किस तरीके से सशक्त बनाना है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक पूरा एक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा, अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लाडली बहनों को सशक्त बहन बनाने की दिशा में लगातार काम किया जाएगा। और जिस तरीके से पहले ये बात हो चुकी है कि जो लाडली बहना है उनको एक तो घरेलू गैस सिलेंडर का कनेक्शन और उसके अलावा आवास देने का काम भी सरकार आने वाले दिनों में करेगी, तो उसको लेकर भी रूपरेखा तैयार करने में सरकार इन दिनों जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम का आज अंतिम दिन है, यह भी बता दें, 2 दिवसीय ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आज समापन होना है। 3 सत्रों में विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, संसदीय विषय की विधायकों को जानकारी दी जाएगी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें शामिल होंगे। जीत का मंत्र माननीयों द्वारा दिया जा रहा है विधायकों को, 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी द्वारा और आज उसका दूसरा दिन है, अंतिम दिन है और आज भी यही प्रक्रिया जो कल रही थी वही रहेगी। बात छत्तीसगढ़ की करें तो विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। कई ऐसे अहम प्रस्ताव होंगे जिस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ मुहर लगने के भी पूरे पूरे आसार हैं। शाम 5 बजे ये बैठक होगी, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। साय कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है, शाम 5 बजे ये बैठक होगी और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कई महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा होगी, साथ ही साथ मुहर भी लगेगी।
आज रायपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मान समारोह होगा। बीजेपी रायपुर संभाग कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह और सभी मंत्री कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करेंगे। अब तक बस्तर, दुर्ग, सरगुजा और बिलासपुर में ये समारोह हो चुका है, इस समारोह का आयोजन हो चुका है। सुबह 11 बजे बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में सम्मेलन होगा, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। बता दें आपको, जो मेहनत उनके द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे ही चुनाव के दौरान की गई, उसके बाद सम्मान कार्यकर्ताओं का बीजेपी के द्वारा। छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में हड़ताल हो रही है। हिट एंड रन के विरोध में ड्राइवर्स की हड़ताल आज हो रही है। यह भी बता दें कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ड्राइवर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कानून रद्द होने तक हड़ताल करने की चेतावनी इनके द्वारा दी गई है। पहिए थम चुके हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, जहां वहीं खड़ी रहेंगी, नहीं जाएंगी गाड़ियां, कोई ट्रांसपोर्ट का काम नहीं होगा। साथ ही साथ बाकी गाड़ियां भी, बसें हैं, वो भी प्रभावित रहेंगी। यात्रियों को तो परेशानी होगी होगी, साथ ही साथ परेशानी बड़ी ये है कि जो सामान ट्रकों में आता है, रोजमर्रा की चीजें आती हैं, उन पर सीधा प्रभाव पड़ता नजर आएगा। रीवा से बड़ी खबर है, सैनिक स्कूल से छात्र के लापता होने का यह पूरा मामला सामने आया है। 24 घंटे के बाद भी छात्रों का सुराग नहीं लग सका है। 2 महीने की छुट्टी के बाद स्कूल पहुंचा था सैनिक, स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पूरा मामला रीवा का है, सैनिक स्कूल से छात्र लापता हो गया है, 24 घंटे बाद भी नहीं पता चल सका है। ज्यादा जानकारी के लिए शिवेंद्र बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, सैनिक स्कूल से छात्र लापता, शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया? देखिए, अभी तक लापता बच्चे की सुराग नहीं मिल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि सैनिक स्कूल की एक बाउंड्री जो बोधाबाद की तरफ खुलती है, वो उसकी ऊंचाई काफी कम है और अक्सर एक बार इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है कि छात्र बाउंड्री कूद कर भाग गया था। ठीक उसी की आशंका दर्ज की जा रही है कि छात्र कूद करके कैंपस से बाहर निकला है और इसके बाद वो रहस्यमयी ढंग से लापता हुआ है। पुलिस की 3 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। परिजन भी परेशान है, स्कूल प्रबंधन भी सख्ते में है और पुलिस जो सीसीटीवी शहर के कैमरे हैं उसको खंगाल रही है। आसपास की जो दुकानें हैं उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा है और घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रोहित नाम दसवीं का छात्र है, उसका कहीं भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ठीक, नजर बना रखिएगा, बहुत शुक्रिया शिवेंद्र। बालाघाट से बड़ी खबर है, नक्सलियों पर नकेल कसी गई है। 2.5 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है, एक बैटरी, एक जिलेटिन रॉड, एक डेटोनेटर, पुरानी आईईडी बरामद किया गया है। गढ़ी थाना अंतर्गत भालापुरी के जंगल से यह जब्त हुआ है। सीआरपीएफ ने सर्चिंग के दौरान इसे बरामद किया है, बड़ी उपलब्धि हासिल। 2.5 किलो का विस्फोटक बरामद हुआ, साथ ही साथ कई सारी सामग्री, नक्सलियों की सामग्री बरामद की गई है। नक्सलियों पर नकेल कसने का ये सिलसिला जो है लगातार जारी है और ये बड़ी सफलता हम मान सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में विस्फोटक और साथ ही साथ अन्य सामग्री जो नक्सलियों के पास रहती है वो सब जब्त कर ली गई है। ग्वालियर में एसआई की पत्नी ने खुदकुशी कर ली। 40 साल की महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। महाराजपुरा थाने के डीडी नगर इलाके की यह घटना आपको बता रखे हैं, जहां पर एसआई की पत्नी ने मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर ली। फिलहाल पूरे ही मामले की जांच पड़ताल हो रही है, आखिर किन्हीं कारणों से मौत को गले महिला द्वारा लगाया गया है। एसआई की यह पत्नी है, 40 साल उम्र बताई जा रही है, फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त इस महिला द्वारा कर दी गई।
ग्वालियर से एक वीडियो सामने आया है जो जानलेवा है। जानलेवा स्टंट का ये वीडियो है। बाइक पर सवार युवक कभी चलती बाइक पर आराम फरमाता दिखा तो कभी पैर पर पैर रखकर बाइक चलाता दिखा। ये तस्वीरें आपके सामने ग्वालियर की। राहगीरों ने स्टंट करते युवक का वीडियो बनाया। उधर पुलिस युवक की पहचान करने में जुट गई है। फिलहाल ये जिस तरह से स्टंट वैसे ये युवक कर रहा है, कहीं ना कहीं किसी घटनाक्रम को, दुर्घटना को न्योता देता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाल रहा, आसपास के लोगों की जान भी खतरे में डाल रहा है, क्योंकि इसकी वजह से दूसरा भी कोई चपेट में आ सकता है, उसकी भी जान जा सकती है। अब संज्ञान ले लिया गया है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई इस पर होती है। दतिया में एक बार फिर युवकों का तमंचे पर डिस्को करने का मामला सामने आया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे कुछ युवा डांस गर्ल के साथ कट्टा लहराकर डांस कर रहे हैं। मामला दुर्गापुर का है, जहां द स्टोन समारोह में कट्टे लहराते हुए युवकों ने डांस किया। वीडियो के वायरल होने के बाद सिविल लाइन पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनका जुलूस भी निकाला। दो तस्वीरें, एक तरफ तमंचे पर डिस्को की तस्वीरें तो वहीं दूसरी तरफ ये डिस्को करना इन्हें भारी पड़ा और जुलूस इनका प्रशासन की टीम द्वारा निकाला गया। यहाँ पे कुछ लड़के कट्टे लहराकर अगर ढकिया से डांस करते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें टीआई सिविल लाइन द्वारा उनकी तस्दीक की गई और चार तीन लड़कों को उसी पार्टी में, जो लड़के थे पार्टी में, उनको ऊपर अवैध डांस की कार्रवाई की गई है। और इसी चेकिंग के दौरान एक अन्य अवैध हथियार की कार्रवाई की गई। टोटल चार लोगों को अवैध डांस से संबंधित कार्रवाई की गई। और इसी बीच बड़ी खबर का हम जिक्र करते हैं। लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, पूरे ही एमपी का हाल बेहाल है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम में हल्की बारिश की आशंका है। ग्वालियर, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम में कोहरा छाया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में हल्की बारिश के संकेत भी हैं। कोहरे के साथ ही ओस भी पड़ रही है। लगातार मौसम में बदलाव, बारिश और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना। एमपी में हर जगह मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है। अलग अलग जिलों में कहीं पर बारिश, कहीं पर कोहरा, कहीं पर विजिबिलिटी ना के बराबर। और ये तस्वीरें आपके सामने, डबल अटैक, कहीं ना कहीं ठंड का देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश इन दिनों कोहरे के आगोश में समाया हुआ है। राजधानी भोपाल की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, किस तरीके से घना कोहरा राजधानी भोपाल में छाया हुआ। और ये राजधानी भोपाल में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में इसी तरह का कोहरा और शीतलहर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 14 तारीख तक इसी तरह से मध्य प्रदेश वासियों को घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा। मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य उत्तरायण होंगे, उसके बाद हल्की जो कमी है वो कोहरे में देखने को मिलेगी और 20 जनवरी तक इसी तरह का कोहरे पड़ने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके साथ ही कई इलाकों में अभी बारिश दर्ज की गई और आने वाले समय में भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इंदौर, इसके अलावा नर्मदापुरम, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की फुल्की बारिश और देखने को मिलेगी। और इन इलाकों में बारिश और होती है तो कहीं ना कहीं शीतलहर का प्रकोप और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश वासियों को कोहरे के साथ साथ ठिठुरन वाली हवाओं का सामना भी करना पड़ेगा। तो मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में इस कोहरे और ठिठुरन वाली सर्दी से मध्य प्रदेश वासियों को राहत नहीं मिलने वाली है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। ग्वालियर चंबल में कोहरा बारिश, पिछले 24 घंटे में 31 मिलीमीटर बारिश ग्वालियर में हुई है। बता दें ग्वालियर में दिन का अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री रहा। चलते 14 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। और आपको बता दें ये सर्दी पड़ेगी। ग्वालियर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। बारिश लगातार हो रही है और ठिठुरन बढ़ चुकी है, ठंड बढ़ चुकी है, हाहाकार कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में। और कई ऐसे जिले हैं जहां पर प्रचंड ठंड की तस्वीरें हम देख रहे हैं। कोरबा का जिक्र करेंगे, जहां पौड़ी ब्लॉक के कर्री हाई स्कूल का प्रिंसिपल शराब के नशे में स्कूल पहुंचा। प्राचार्यों को नशे में देख स्कूल के छात्र घर लौट गए। ये बात उन्होंने अपने परिजनों को बताई। परिजन स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल की जमकर क्लास लगाई, शराबी प्रिंसिपल का वीडियो भी बनाया। ये तस्वीरें आपके सामने। कोरबा की प्रिंसिपल नशे में धुत होकर के स्कूल पहुंचा। बच्चों ने अपने परिजनों को बताया, परिजन पहुंचे और फटकार भी प्रिंसिपल को लगाई, साथ ही साथ वीडियो। कहां से मिलेगा सर? अच्छा, एजुकेशन कहाँ से मिलेगा बच्चों को? बाप से है। बाप से? हाँ, माँ बाप से तो मिलता है।
और अच्छा एजुकेशन कहाँ मिलेगा? माँ बाप से हम सिखाएंगे फिर, तब तो होगा। और बच्चे लोग अभी कहाँ हैं सर? बच्चे लोग कहाँ हैं? वीडियो बना रहे हैं? नहीं, बच्चे लोग कहाँ हैं आप अभी? बना ले एजुकेशन, जैसे अच्छा कोई भी कार्यक्रम है जो भी गाना करो। सुकमा में 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया है। पूना नरकोम अभियान और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उसने आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वाला नक्सली मलेशिया कमांडर था, उसके खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं। चिंता गुफा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। सरेंडर करने वाले नक्सली को प्रोत्साहन राशि भी दी गई, साथ ही उसे पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया जाएगा। इधर दंतेवाड़ा में भी एक नक्सली ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाला नक्सली एरिया कमेटी के गोंडेरास पंचायत में सक्रिय था। इस पर नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना और नक्सली बैनर पोस्टर और पैम्पलेट लगाने की घटनाओं में शामिल होने के आरोप हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 167 इनामी नक्सली सहित 656 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। भोपाल में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। बता दें 1.5 घंटे में 21 लोगों को काटा है। डॉग बाइट के 21 मामले सामने आए हैं। एमपी नगर का हम जिक्र कर रहे हैं। जोन 1 में डॉग का आतंक लगातार, घर जा रहे लोगों पर पीछे से हमला किया। आवारा डॉग ने 7 से 8 दूसरे डॉग को भी काटा। दूसरे डॉग भी रैबिज का संक्रमण फैलने का डर है। अस्पताल में इंजेक्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुत्तों का आतंक राजधानी भोपाल में 1.5 घंटे के भीतर 21 लोगों पर इन कुत्तों द्वारा हमला किया गया और लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में कुत्तों का आतंक जारी है। डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। परस्पर शायद संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा जा सकता जाता, तभी शायद ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग इसका शिकार हो रहे हैं। 1.5 घंटे के भीतर 21 नए मामले सामने आए। अस्पताल में इंजेक्शन के लिए कतार लगी हुई है। आवारा कुत्तों का आतंक राजधानी भोपाल में लगातार जारी और सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, अलग अलग जगह पर इन कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। 1.5 घंटे के भीतर 21 लोगों को इन कुत्तों द्वारा काटा गया, हमला किया गया और अस्पताल में लंबी कतार नजर आ रही है, जहां पर लोग इंजेक्शन लगवाने, रैबिज का इंजेक्शन लगवाने के लिए पहुंचे। डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, पर इस पर शायद संज्ञान नहीं लिया जा रहा, ना ध्यान दिया जा रहा है और लगातार ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं जब लोग डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कुत्तों का आतंक लगातार जारी है, पर इस पर कोई रोक नहीं लग पा रही है, लगातार मामलों में इजाफा ही हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, एमपी नगर जोन 1 का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां एक आवारा और पागल कुत्ते ने कुछ लोगों को काटना शुरू किया और वहां से जितने भी लोग निकल रहे थे लगभग 21 लोगों को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया। और इतना ही नहीं, जो दूसरे कुत्ते थे उन पर भी उसने हमला बोला और ये सभी लोग फिर रैबिज का इंजेक्शन लगाने के लिए जेपी अस्पताल पहुंचे थे। तो ये केवल राजधानी का ही घटनाक्रम नहीं है, बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी लगातार इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जो कुत्ते हैं उनको पकड़ने की बात कहते हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये देखने में आ रहा है कि इस तरह के घटनाक्रम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जैसी स्थिति नजर आ रही है, भले दावे दम भरे जा रहे हैं, लगता नहीं है कि इस पर रोक या जो काम जिस सक्रियता से, जिस जल्दबाजी से होना चाहिए उस पर हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। बलौदा बाजार में लगभग 9 लाख का गांजा बरामद किया गया। ये गांजा कार से बरामद हुआ है। आरोपी कार छोड़कर मौके से भागने में सफल हो गए। थाना प्रभारी ने खुद घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। गिधौरी और खपरीडी के बीच पहंदा कच्ची रोड के पास नाकाबंदी कर गांजे की खेप बरामद की गई।
बलरामपुर के ग्राम पंचायत बढ़ती कला खुर्द में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। शासकीय स्कूल परिसर में पंचायत सचिव के द्वारा अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान को तोड़ा गया है। बता दें कि नोटिस जारी होने के बावजूद भी पंचायत सचिव के द्वारा अवैध अतिक्रमण को खाली नहीं किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के मार्गदर्शन अनुसार स्कूल परिसर में बने मकान को जेसीबी के माध्यम से तोड़कर परिसर को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को लंदन पहुंचे। राजनाथ सिंह ब्रिटेन में रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए ऋषि सुनक सरकार से चर्चा करेंगे। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। बीएपीएस लंदन के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर भारत के बाहर निर्मित होने वाला पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर था और यूरोप में अपनी तरह का सबसे बड़ा। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। छत्तीसगढ़ में हिट एंड रन के नए